राष्ट्रीय लोकदल किसानों की समस्याओं को लेकर समय समय पर आंदोलन करती आई है। इस समय भी किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार के इस रूठे रवैये से किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के राज्यपाल को भेजा। राष्ट्रीय लोकदल ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विकराल रूप धारण करती कई जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में यह मांग करती है कि गन्ने का भुगतान में ब्याज तुरंत कराया जाए, डीजल पेट्रोल के रेट किसानों व आम जनता की पहुंच से बाहर हो गए, तुरंत कम करके किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाए, रसोई गैस के दाम कम किए जाए, किसानों को खेती के लिए बिजली की व्यवस्था की जाए, आम आदमी को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाए, बढ़ती महंगाई को देखते हुए खाद्य पदार्थ के बढ़ते हुए रेटों पर तुरंत रोक लगाई जाए, बढ़ती बेरोजगारी दूर करने के लिए खाली पड़े पदों को भरा जाए, कोरोना काल के दौरान छोटे दुकानदारों व्यापारियों का बिजली का बिल माफ किया जाए आदि जैसी समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतरी है। सर क्या नाम है? मैं मनोज चौधरी हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का जिलाध्यक्ष हूँ मुरादाबाद का। आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में जो महंगाई बढ़ी है उस उपलक्ष्य में राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रही है कि गन्ने का भुगतान में ब्याज तुरंत किया जाए, डीजल पेट्रोल के रेट किसानों पर आम आदमी जनता की पहुंच से बाहर हो गए हैं, तुरंत कम करके किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाए, रसोई गैस के दाम कम किए जाएं, किसानों को खेती के लिए बिजली की व्यवस्था मुफ्त की जाए, आम आदमी जो गरीब आदमी है को 300 यूनिट तक बिजली फ्री की जाए, बढ़ती महंगाई को देखते हुए खाद्य पदार्थ के बढ़ते हुए रेटों पर तुरंत रोक लगाई जाए, बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए खाली पड़े हुए पदों को तुरंत भरा जाए, कोरोना के दौरान जो छोटे दुकानदार व्यापारियों का बिजली का बिल है उसे माफ़ किया जाए, गन्ने का पेमेंट है, पेट्रोल डीजल के रेट हैं, किसानों के बिजली की बहुत रेट बढ़ गए हैं, ये बहुत महंगी व्यवस्था है, गरीब आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है, 300% बिजली बढ़ा दी, 50 रुपये रेट डीजल बिकता था आज 100 रुपये बिक रहा, किसान की माहौरी है, सिलेंडर की सब्सिडी 700 रुपये आती थी आज 26 रुपये आ रही है, मजाक बना के रख दिया देश का, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था चली गई है। माने महोदय लिख रखा है, अगर सरकार द्वारा समस्याओं का समाधान सीख नहीं किया गया तो राष्ट्रीय लोकदल जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दे रहे हैं।